ये बात केवल इसलिए भी नहीं कह रहा हूं कि कहने के लिए कहना है, ओशो भी थे, ओशो को भी दुनिया पूरी तरह जानती थी, उसके पहले परमहंस योगानंद भी थे, बहुत सारे ऐसे गुरु रहे हैं जो विदेशों में गए हैं, उसके पहले प्रभुपाद भी थे। आज अगर दुनिया में आप जाएंगे तो हरे राम हरे कृष्ण हर कोई जानता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि महर्षि ने पैरेलल वर्ल्ड की कल्पना की। जो पैरेलल मीडिया हम कह रहे हैं, महर्षि हैज थॉट अबाउट अ पैरेलल वर्ल्ड विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन अ वे विच कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ टूडेज वर्ल्ड। यानी महर्षि एक चीज समझते थे कि आज की दुनिया में जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, वो सिस्टम पॉलिटिकल भी होगा, इकोनॉमिकल भी होगा, सोशल भी होगा और कहीं ना कहीं फैमिलियर भी होगा। महर्षि ने अपनी मुद्रा चलाई, महर्षि के लोगों ने चुनाव लड़े, महर्षि ने पूरी दुनिया में विश्वविद्यालय खोले, महर्षि ने अपना पाठ्यक्रम बनाया, महर्षि ने वेदों के लिए जितना काम किया उतना किसी ने नहीं किया, आज भी कोई नहीं कर रहा है। इस तरह अगर आप देखेंगे तो इस तरह जो संत हम ग्लोबल होने की बात करते हैं, वो ग्लोबल इस तरह हो सकता है कि वो कुछ सोचे। हमारे भारतीय संस्कृति के 5000 साल के इतिहास में जितना हम जानते हैं, अभी युगों की बात नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे ऋषि हुए जो वैज्ञानिक थे। कणाद ने अणु की खोज की, चरक ने शल्य चिकित्सा की खोज की और इस तरह बहुत सारे नाम हैं। ऐसे आपको 150 नाम मैं आपको बता सकता हूं। ये ऋषि जो थे ना, आज ऋषि नहीं होते हैं, रोचक मैं आपको कहूंगा, आज ऋषि नहीं पाए जाते हैं, स्वामी, साधु, सन्यासी, गिरि, महाराज, ऋषि खत्म हो गए हैं। ऋषि वो जो किसी चीज का निर्माण करे, किसी चीज की शुरुआत करे। इसीलिए हम महर्षि जी के नाम के आगे, महेश गिरी जी के नाम के आगे महर्षि लगाते हैं, क्योंकि ऋषि वो जो एक तरह की कल्पना करे, संकल्पना करे और उसको परिणत करे। अब विश्व शांति की बात हो रही है और मीडिया की भूमिका की बात हो रही है। मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोकतंत्र में चौथा पिलर कहा जाता है, दुनिया के 125 देशों में लोकतंत्र हैं, उन देशों में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और धर्म से मीडिया का बड़ा गजब वाला नाता है। गजब नाता इसलिए क्योंकि धर्म और मीडिया के बीच में कभी भी एक तरह की बॉन्डिंग नहीं देखी जाती है। ये केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। पोप भी इस चीज से परेशान है कि मीडिया नेगेटिव है। लेकिन मीडिया नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये आप तय किस तरह करते हैं। समझना ये होगा कि जिस विश्व शांति की हम बात करते हैं, उस विश्व शांति को हमें अपने अंदर की शांति से जोड़ना है या नहीं जोड़ना है। दूसरा, हमें मतलब क्या कि सीरिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है और अफ्रीका में क्या हो रहा है। सीधी सी बात यह है। लेकिन चूंकि हमारी संस्कृति की ये खासियत रही है, और ये खासियत इस वजह से रही है कि पूरी दुनिया में 9 धर्म हैं। आज पूरी दुनिया में केवल 9 धर्म हैं। उन्हीं 9 धर्मों की शाखाओं से नए धर्म निकले हैं। जैसे बहाई नया धर्म ईरान से निकला, जो कि सुन्नियों से अलग होके बने थे, ये नए धर्म है। सिख धर्म आपको पता ही है, जैन धर्म पता है, बौद्ध धर्म पता है। जापान जाएंगे तो शिंटोइज्म एक वहां बहुत बड़ा धर्म है जो बुद्धिज्म से निकला है। अगर आप चीन जाएंगे तो कन्फ्यूसिज्म एक नया धर्म है जो कि वहां पे कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी में आ गया था, लेकिन बौद्ध बुद्ध के जाने के बाद उसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ा है। तो जिस विश्व शांति की हम बात करते हैं, उसमें धर्म की भूमिका क्या है, धर्म का रोल क्या है? क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं आपके नाम से जुड़ जाती है। पैदा होते ही जो आपको नाम दिया जाता है, यूसुफ दिया जाए, चाहे अनिल दिया जाए, चाहे सेबेस्टियन दिया जाए, वहीं से पता लग जाता है कि आप किस धर्म के हैं। यह बड़ा, ये सभी संस्कृतियों में है। रोचक यह है क्योंकि विदेशी संस्कृतियों में जहां पे बहुत ज्यादा बहुलतावादी समाज नहीं है, वहां पे धर्म और ज्यादा जटिल स्थितियों में है। जहां पे आज हमारे देश में एक बहुलतावादी समाज है, मीडिया की जो भूमिका है ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वो अगर किसी भी समाज में वर्क कर रही है तो ये जरूरी है कि वो लोगों को वो ताकत दे कि लोग इंफॉर्मेशन को पा सकें, लोग क्लैरिटी पा सकें और लोग जितनी भी सुविधाएं मिलनी है उस पर सवाल जवाब कर सकें, जो लोकतंत्र में ज्यादातर संभव होता है और किसी तंत्र में संभव नहीं होता है। तो हम जो मूल बात करें कि धर्म, क्योंकि मैं धर्म ही कवर कर रहा हूं 12-14 साल से, और ईश्वर ने बड़ा मौका दिया कि कम उम्र में देखने समझने का और उसको एनालिसिस करने का एक मौका मिल गया है। धर्म का जो बहुत बड़ा रोल है हमारे समाज में, बहुत सारी बातें कही हमारे मित्र बड़े भाई मनोज ने भी कहा, त्रिपाठी जी ने कहा, इस देश में ना हर दिन 10 लाख कथाएं होती हैं, पता है आपको? 10 लाख
मंदिर के प्रांगण से लेकर नगर चौराहों से लेकर और बड़े पंडालों तक, और सब पैसे के लिए नहीं होती हैं। ये क्लैरिटी करिएगा कि सब पैसे के लिए कथाएं नहीं की जाती हैं। अगर ये कथाएं हो रही और IIT ने रिसर्च किया है, मेरे मित्रों ने रिसर्च किया है कि सत्संग का प्रभाव क्या होता है, बाकायदा आप ये डॉक्यूमेंट जाके उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं, उन्होंने दिल्ली में बाकायदा ऐसी कथाओं, प्रवचनों, सत्संगों पे बहुत लंबा रिसर्च किया, आप इसका प्रभाव जान सकते हैं, सीधी सी बात यह है। दूसरी चीज, धर्म जिसको हम बहुत छोटे तौर पे अभी देखने लगे हैं, क्योंकि मीडिया की वजह से एक समस्या हुई है कि धर्म हमें ना केवल व्यक्तिवादी लगता है, बाबा दिखते हैं, संत दिखते हैं, साधु दिखते हैं, संस्थाएं दिखती हैं, 5,000 करोड़ का बाबा, 10,000 करोड़ का बाबा, हम इतना ही सोच पा रहे हैं अभी धर्म को लेकर। धर्म क्योंकि एक संस्था है, और संस्कृति के बाद या संस्कृति के पहले सबसे महत्वपूर्ण अंग है आपके जीवन का और दुनिया के 6.5 अरब लोगों का, क्योंकि 50 करोड़ लोग एथीइस्ट भी हैं दुनिया में जो किसी चीज को नहीं मानते हैं, उनके लिए धर्म मायने इसलिए रखता है कि धर्म हमें अंदर और बाहर दोनों से जोड़ता है। सोसाइटी का स्ट्रक्चर धर्म से तय होता है। जिस संत की बात प्रदीप जी कर रहे थे, संत तिरुवल्लूर, उन्होंने एक किताब लिखी थी थिरुक्कल, जुलाहा जाति के वो थे, जुलाहा जाति के संत तिरुवल्लूर थे और वो साड़ी बिनते थे, बड़ा बहुत सारे उनके फेमस किस्से हैं समाज में। वो एक गृहस्थ थे, गृहस्थ थे, और गृहस्थ में रहते हुए उन्होंने तिरुवल्लूर नाम की एक किताब लिखी जिसमें ये बताया कि जीवन को कैसे गृहस्थ रहते हुए संत की तरह बिताना है। इसी देश में रामानंदीचार परंपरा में रामानुजाचार्य हुए जिन्होंने दलितों को मंदिरों में प्रवेश दिया। इसी देश में बहुत सारे ऐसे संत आज भी हैं, केवल सामाजिक विकास, क्योंकि मेरा फोकस सामाजिक विकास है, मैं धर्म को नेगेटिव देख नहीं पाता हूं, ना मीडिया को देख पाता हूं, मेरी आदत नहीं है नेगेटिव देखना, मुझे पॉजिटिव देखना अच्छा लगता है। जिस बात करते हैं कि मीडिया में अच्छी खबरें नहीं आती, दैनिक जागरण अखबार हर कोई इस राज्य में पढ़ता होगा, हर दिन पढ़ते होंगे, हर दिन तो लिखता है वो नो नेगेटिव न्यूज, फिर क्यों कहते हैं नेगेटिव न्यूज छापता है, वो तो कोशिश कर रहा है। इनके चैनल पे शुभ समाचार शुरू हुआ, ये हर दिन दिशा चैनल पे शुभ समाचार चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, पर दिखता इस वजह से नहीं है ना, क्योंकि आप पढ़ते लिखते बड़ा थोड़ा है, आप थोड़ी सी टेलीविजन देख लेते हैं, थोड़ा सा टेलीविजन देख के राय बना लेते हैं। देश में 400 न्यूज चैनल हैं, 800 चैनल हैं, ऐसा नहीं है सब नेगेटिव ही कर रहे हैं, और नेगेटिव कोई पब्लिसिटी नहीं देता है, सीधी सी बात यह है। ये तो बिहेवियरल साइंसेस से थोड़ा सा प्रूव हो गया है कि भाई नेगेटिव लोग देखना ज्यादा पसंद करते हैं, पॉजिटिव देखने पर माल बिकता नहीं है। तो इस वजह से इस चीज को समझना होगा, जिस चीज को हम धर्म के, आज इस देश में ना 2.5 करोड़ मंदिर हैं, 75 लाख मस्जिदें हैं, 30,000-40,000 के करीब गुरुद्वारे हैं, और अमेरिका और लंदन में जिसको सोशल सिक्योरिटी कहते हैं ना, जो सरकार देती है, 10 करोड़ लोग इस देश में हर दिन आज भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च की वजह से खाना खाते हैं और शरण पाते हैं आज भी। केवल 2 लाख लोग तो गोल्डन टेम्पल में हर दिन खाना खा लेते हैं। हर संस्थान में आप जाएंगे ना, आप कुंभ जाइएगा, कुंभ में 10 करोड़ लोग खाना खाएंगे, कोई पैसा नहीं दे रहा खाना खिलाने का। तो ये कहना कि धर्म बड़ी छोटी चीज है, धर्म धंधे के लिए की जाती है, उस सोच से थोड़ा सा बाहर निकलिए। महर्षि जैसे संस्थान जहां 10,000 वेद विद्यार्थी फ्री में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 3-3 साल तक पढ़ रहे हैं, कौन पैसे दे रहा भाई? मुझे तो नहीं पता कि आपने कितने चेक काटे हो या मीडिया ने कितने चेक काट दिए हो, बात मीडिया के नहीं। और दूसरा एक अच्छी बात प्रमोद जी ने जो सच में कही कि भाई जब बिना मीडिया के इतना कुछ चल रहा है, तो ये सोचना कि मीडिया ही सब कुछ बदल देगा, इस भ्रम से निकल जाइए। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि मीडिया ही सब कुछ बदल देगा, आपको बहुत कुछ करने की जरूरत है, हर संस्था को करने की जरूरत है। हम 4 अंग मान चुके हैं कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद, 4th अंग मीडिया को मानते हैं, 5वां अंग आज से धर्म भी मान लीजिए, क्योंकि मानिए चाहे मत मानिए, व्यक्तिवादिता होने के कारण हम अभी व्यक्ति केंद्रित हो गए हैं, हमने कल्ट बना लिए हैं। लेकिन आपको बैक टू बुक्स जाना पड़ेगा, ना आपको वेद पता है, ना पुराण पता है, ना उपनिषद पता है, ना ग्रंथ पता है, ना व्यक्तियों का सहयोग पता है, फिर आप कहते हैं अरे धर्म तो ऐसे ही है। बिना जाने समझे बहुत सारे लोग दुनिया में टिप्पणी कर रहे हैं, बिना जाने समझे टीवी डिबेट्स हो रही हैं खूब सारी, बिना जाने समझे लोग टीवी चैनलों पर आकर करोड़ों लोगों को दिग्भ्रमित करके जा रहे हैं। तो ये समझना होगा कि धर्म का रोल है, विश्व शांति के लिए धर्म की बहुत बड़ी भूमिका है। ईश्वर की बड़ी कृपा है कि मैं अंतर धार्मिक संगठनों के साथ काम करता हूँ, पिछले साल पोप से भी मिलकर आया था,
उनसे भी कह के आया था, अगर एक क्रिश्चियन एक मुस्लिम को खाली दुनिया में गले लगा ले ना तो आधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। खाली एक बार गले लगा ले, एक क्रिश्चियन एक मुस्लिम को गले। आज डर लगता है आपको बहुत सारी आइडेंटिटीज से, क्योंकि मीडिया ने ऐसी आइडेंटिटीज बना के रखी हुई है कि आपको डर लगने लगा, अरे फला के साथ दोस्ती करें ना करें। तो इसलिए ये समझना होगा कि बहुत बड़ी भूमिका मीडिया की भी है, धर्म की भी है, आप सबकी भी है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम विश्व शांति से पहले अपने घर में शांति लाएं, समाज में शांति लाएं, परिवार के आगे बढ़कर आगे जो भी संस्थाएं हैं वहां शांति लाएं। मीडिया को बिल्कुल इन्वॉल्व करिए, मीडिया पॉजिटिव खबरें दिखाता है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। मैंने हजारों घंटे का कंटेंट बनाया है और एरू गरु चैनल के लिए, स्टार न्यूज, इंडिया टीवी, इस तरह के चैनलों के लिए बनाया है। जो भाई साहब कह रहे थे मैं फिर कि मीडिया योगा नहीं दिखाता, मैंने 3000 घंटे का कंटेंट केवल स्वामी रामदेव जी के साथ स्टार न्यूज के लिए बनाया है। क्या बात करें, योगा का कंटेंट नहीं दिखाया जाता। अब समस्या यह है, आज की चुनौतियां अलग हैं। अर्थ धार्मिक चैनल न्यूज दिखा रहे हैं, बजट का प्रसारण कर, तो बहुत सारे मॉडल डेवलप करने की जरूरत है। मैं ये मानता हूं विजनरी पर्सन बहुत पहले ही इस चीज को कह के गए थे, हमें ऐसा करने की जरूरत है, जैसे महर्षि कह के गए थे। हम उन चीजों को कर रहे हैं, समस्याएं केवल यह है कि हमारे समाज में बहुत तेजी से वेव आती है, ग्लोबलाइजेशन बहुत जल्दी आ गई, सोशल मीडिया बहुत जल्दी आ गया। हम अभी तैयार नहीं थे व्हाट्सएप करने के लिए। मैं आपको सच कह दूं, जिस देश की आधी से ज्यादा आबादी अभी अनपढ़ हो वो व्हाट्सएप क्या करना जानेगी? जिस देश में अभी गरीबी भी एक समस्या हो, जिस देश में अभी अभी अनपढ़ बहुत सारी ऐसी समस्याएं हो जिनका हमारे पास समाधान नहीं है, वहां हम सोशल मीडिया के जरिए सरकारें बनाने में लगे हुए हैं। तो बहुत सारे समाज को तैयार होने में वक्त लगता है, हमें वक्त देना चाहिए। हम सब की ये कोशिश है, इस मंच पे जो बैठे हैं सब सकारात्मक लोग बैठे हुए हैं, हम सब की ये कोशिश है कि हम समाज को धर्म के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इन सब माध्यमों से समाज में शांति लाएं। वरना ये अपने चैनल पे कुछ भी चला सकते हैं, वरना मैं अपनी वेबसाइट पे कुछ भी छाप सकता हूं, पर छाप केवल रिलीजन एंड सोशल डेवलपमेंट रहा हूं, छाप केवल वो रहा हूं जो आपको जानना चाहिए कि ये परंपराएं कहां चली गई खोज खोज के। तो हमारी एक कोशिश है कि हम सकारात्मक तौर पे काम करें। उसके लिए जरूरी है कि इस जैसे संस्थान, क्योंकि ये संस्थान मुझे भी बहुत सपोर्ट करता है, दिन रात मैं आभारी रहता हूं कि ऐसी संस्थानें हैं जो हमें सपोर्ट कर रही हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन यहां की सकारात्मक चीजों को आगे ले जाएं। आप जब मीडिया से बात करने लगेंगे ना, ये जो कहते हैं आपको पता है, हर पत्रकार हर दिन ऑफिस से आजकल खाली निकलता है, खबरें होती ही नहीं है, खबरें ढूंढ रहा होता है वो। दिन भर में कुंभ से 50-60 फोन मुझे आ जाते हैं, किस बाबा का इंटरव्यू कर लूं। तो मैं ये आपको बता रहा हूं, अगर आप समाज में सकारात्मक खबरें लेकर जाएंगे तो खबरें छपेंगी, थोड़े में छपें। जैसे प्रताप जी ने कहा कि थोड़ी सी खबरें हैं, उन्होंने कोई सेगमेंट निकाला था, तो खबरें छपती हैं। अब ये अलग बात है क्योंकि समाज में और भी तरह की विकृतियां समय के साथ आती जा रही हैं, तो उनका प्रतिशत बढ़ गया है। तो जरूरी है कि हम ध्यान करें। मैं ध्यान करता हूं, हर दिन नहीं कर पाता हूं पर करता हूं, यहीं से सीख के गया हूं, कुलपति महोदय मेरे गुरु हो गए हैं इस तरह से, मैं करता हूं और उससे मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। क्योंकि बड़ी सरल सी बात है, हम जब छोटे होते तो माता जी कहती थी बेटा ध्यान से चलो, ध्यान से करो, ध्यान से पढ़ो। अब जाके समझ आता है ध्यान होता क्या है। तो ध्यान की एक ऊर्जा है जिसका एक ऑरा होता है, एक सकारात्मक क्षेत्र होता है। आप कुंभ आएंगे तो वो ऑरा आपको पूरे वृहद क्षेत्र में महसूस होगा, हर जगह एनर्जी महसूस होती है, क्योंकि ऐसे संत आते हैं जो अपने साथ ऑरा लेकर चलते हैं। नागा साधु जब स्नान करके पानी से निकल आते हैं तो महिलाएं वहां कूद कूद के जंप करती हैं कि उस पानी का एक एक टुकड़ा मेरे आ जाए, आस्था ऐसी उससे बांझपन दूर हो जाता है, पर यह आस्था है। तो मेरा यह कहना है कि धर्म को लेकर, विश्व शांति को लेकर मीडिया अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन हमारे सामने राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक चुनौतियां हैं जिनसे धर्म जुड़ा हुआ है, इसलिए धर्म में चुनौतियां हैं। आज धर्म का जितना व्यावसायीकरण आप देखते हैं या धर्म का जितना राजनीतिकरण देखते हैं वो धर्म की वजह से नहीं है, पर समाज के और अंग धर्म का इस्तेमाल करना चाहते हैं इस वजह से है। राजनीति करना चाहते हैं, राम मंदिर धार्मिक मुद्दा हो सकता है पर उसका राजनीतिकरण होगा तो स्वाभाविक है राजनेता उसका लाभ उठाएंगे ही। इसी तरह समाज में कश्मीर का मुद्दा हो, इसी तरह समाज में कोई भी मुद्दा हो, वहां धर्म की जरूरत है, धर्म नीति देता है। मैं तो ये कहूंगा समाज से धर्म हटा दीजिए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक बच्चे को जिस विवेक और सत्य की आप शिक्षा देते हैं वो केवल धार्मिक वजहों से, क्योंकि आपके अंदर वो विवेक, मैं कहता हूं जो व्यक्ति पैदा होता है कोई भी उसके अंदर दो शक्तियां निकल के आती हैं, विवेक और इंट्यूशन।
तो ऐसे में धर्म उस बुनियाद को तैयार करता है जहां से आस्था निकलती है, संस्कार निकलता है, जहां से हम अपने बच्चे को बता पाते हैं बेटा सही क्या है, गलत क्या है। तो धर्म को छोटा करके मत देखिए। मीडिया से भी अनुरोध है, मैं भी मीडिया का पार्ट रहा हूं, मैंने छोटा करके कभी धर्म को नहीं देखा है, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने कभी अपने चैनल पे भी ना धर्म को छोटा नहीं होने दिया है। चाहे भले शो बने ना बने, चाहे संपादक से लड़ाई करनी पड़ जाए, लेकिन कभी भी कोशिश नहीं रही है कि धर्म जैसी संस्था को केवल एक व्यक्ति तक केंद्रित करके देखा जाए, इसे एक विचार के तौर पे लीजिए। इससे विश्व शांति आएगी, क्योंकि भारत के पास वो कुछ देने को है जो किसी के पास नहीं है। ये बात अब पूरी दुनिया में, योग 200 करोड़ लोग योग कर रहे हैं दुनिया में, ये यूएन का आंकड़ा है, 200 करोड़, एक तिहाई विश्व भारत की दी हुई पूंजी का लाभ उठा रहा है। बौद्ध धर्म मेडिटेशन से, बौद्ध धर्म के लोग कुछ नहीं करते हैं, खाली मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन आया कहां से? जिस समाधि की स्टेट की हम बात करते हैं वो योग से ही तो आया है। तो इसलिए हम अपनी विरासत को हल्के में ना लें, और हमारे बच्चों से बड़ा अनुरोध है कि इन्हें पढ़ाएं, इन्हें बताएं, इन्हें कंठस्थ कराएं चीजें। आज आप आश्रमों में जाएंगे, चार चार पांच पांच साल का बच्चा आपको हजारों श्लोक सुना देगा। यहां भी कुछ बच्चे बहुत मेधावी होंगे जो इस तरह की चीजों में निपुण होंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपनी पूंजी को खुद बचाएं, उन्हें आगे ले जाएं। जब हम खुद ही भूल गए हैं तो हम मीडिया से क्या अपेक्षा कर रहे हैं? वो तो आईना भर है समाज का, वैसी ही पिक्चरें बनेंगी जैसा हम व्यवहार कर रहे हैं। इन्हीं बातों से साथ मैं समाप्त करूंगा। मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात कहने का। गुरुदेव प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद भव्य जी, आपने बहुत ही भव्यता से हमारे धर्म का आध्यात्मिक पक्ष का पुनर्स्थापन किया। वस्तुतः पाश्चात्य देशों में जितने बड़े बड़े देश हैं उतने तो हमारे यहाँ लोग ट्रेन में सफर करते रहते हैं, इसलिए हमारे देश की जो गति मति नीति रीति और परंपरा है बहुत व्यापक है। भारतवर्ष की उस व्यापक परंपरा का वेद पुराण और उपनिषदों के माध्यम से हम चिंतन मनन करते हैं, यही हमारी पूंजी है, यही हमारी ज्ञान गरिमा है। आपने जिन भव्य श्रीवास्तवों को सुना और उन्होंने कहा कि हमारे गुरु कुलपति जी यहाँ बैठे हैं, प्रोफेसर भुवनेश शर्मा जी, जब शिष्य इतना अच्छा हो तो गुरु को देखने और सुनने का मन करता है। मैं प्रोफेसर भुवनेश शर्मा जी से अनुरोध करता हूँ कि वे आकर हम सबका मार्गदर्शन करें। जय गुरुदेव। इसके पहले कि भुवनेश जी और हमारे कुलपति प्रोफेसर चांदे जी कुछ बात करें, एक तो निवेदन करूंगा 5-5 मिनट में अगर पूरा करेंगे, क्योंकि हमारे अतिथियों को फ्लाइट पकड़नी है और लगभग 15 मिनट में यहाँ से जाना है। एक छोटी सी बात, आप खड़े रहेंगे आपको अच्छी लगेगी, सजाना माने अच्छी बात सुने। हमारी भुवनेश जी से मित्रता भी है, खाली पद की बात नहीं है, इसलिए हम इनसे सब बात कर लेते हैं। मैं त्यागी जी को कुछ बता रहा हूँ और जो अपने त्रिपाठी जी थे उस रेफरेंस में बता रहा हूँ। अपने यहाँ बहुत अच्छी बातें वेद में बताई गई है, पूरे वैदिक लिटरेचर में। वेद मतलब खाली वेद से अपने मतलब नहीं है। अपने यहाँ जो कहा गया, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और उसके बाद जब अर्थ की प्राप्ति, मतलब केवल पैसे की प्राप्ति से सारी चीज़ें प्राप्त नहीं होती, लेकिन सारी कामनाओं की पूर्ति जो होती हैं वो धर्म पालन नींव है उसकी, वहाँ से प्रारंभ होती है। और फिर जब सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने गुरुजनों ने बताया कि कदाचित एक विचार भी मन में रह गया अधूरा तो दोबारा आना पड़ता है उसको पूर्ण करने के लिए। ये अपना वैदिक वाङ्मय में सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं। इसी की एक और संपुष्टि है, वो ये है कि जीवन तीन भागों का बना हुआ है, एक है अध्यात्म, एक है अधिदेव और एक है अधिभूत। अभी क्या हो रहा है, चाहे वो वर्तमान शिक्षा की बात करें, चाहे सामान्य जीवन की सबके बात करें, अभी सारा जो ध्यान है वो अधिभूत की तरफ है, अर्थ की तरफ है।